पहले हम इस पे खेलेंगे एस्फॉल्ट 9 और उसके बाद पबजी मोबाइल और देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कितने अच्छे आ रहे हैं इसपे। हल्का हल्का बीच में फ्रेम ड्रॉप देखने को हमें मिल रहा है और हल्का सा लैग भी देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस अभी तक एस्फॉल्ट 9 का तो इस डिवाइस पर अच्छा है। हमने दो लेवल खेले हैं एस्फॉल्ट 9 पे, हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट, थोड़े से 5 मिनट की गेमिंग करी है हमने एस्फॉल्ट 9 की इस पर और बैटरी से 2% ही ड्रॉप हुई है लगभग। टेम्परेचर रीडिंग हम फटाफट ले लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं 40 टच कर रहा है टेम्परेचर ऑलरेडी, 40.7 आगे की साइड, 41 पॉइंट समथिंग भी आया था अभी। और पीछे की साइड की बात करूँ तो मैं कैमरा मॉडल के पास आप देख सकते हैं 40.8, 40.9, तो वेल बिलो एम्बिएंट टेम्परेचर है अभी भी। तो इस गेम को हम करते हैं बंद और अब चलते हैं असली टेस्ट की तरफ। और एक सरप्राइज जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये है कि आप मैक्सिमम सेटिंग्स पे रन कर पाएंगे पबजी मोबाइल को स्मूथ में। अब स्मूथ में मैक्सिमम का मतलब है 60 FPS, यानी कि एक्सट्रीम सेटिंग्स, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 675 भी मिलता है, रेडमी नोट 7 प्रो में भी आपको 675 मिलता है, पर वहाँ पे आप मैक्सिमम 40 FPS पे कैप्ड है गेम का इन बिल्ड मेन्यू। आप GFX टूल करके ऑब्वियसली हाई जा सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट आप उसमें नहीं खेल सकते। पर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाके, ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सेटिंग आपको रेडमी नोट 7 प्रो में नहीं मिलती। तो अब चलते हैं हम इसकी गेम प्ले पे। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ लगता है। अगर आपको 60 FPS पे खेलने की आदत नहीं है तो एक बार अगर आप 60 FPS पे शिफ्ट करेंगे तो आप वापस नहीं जा पाएंगे इजीली, क्योंकि 40 FPS में जो मज़ा आता है आपको 60 FPS में, चाहे वो एग्जैक्टली डबल ना हो पर मज़ा एक्चुअली डबल हो जाता है। काफ़ी स्मूथ है गेम प्ले। ऑब्वियसली 60 FPS पे रन करने पे बैटरी ज़्यादा लेगा ही और साथ में रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, तो शायद थोड़ा हीट भी हो। तो लेट्स सी कैसा रहता है गेम प्ले एक्सपीरियंस। और पहले राउंड में हमें मिली M16 और हो गया हमारा पोपट। अब इससे अगले मैचेस जो हम खेलेंगे वो इसकी मैक्सिमम सेटिंग्स जो रहेंगी इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक, क्योंकि स्मूथ में ग्राफिक क्वालिटी ऑब्वियसली थोड़ा हिट लेती है पर आपका फ्रेम्स बेटर हो जाते हैं। तो ये शॉटगन ओनली है तो अब फन आएगा।
हाँ दो ही S12 की थी सामने वाले के पास, और एग्जिट करते हैं फटाफट से। अब हम चलेंगे इसकी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स में, ताकि आपको उसका भी आइडिया लग जाए कि गेम प्ले कैसा रहता है। तो अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ यहाँ पे और ग्राफिक्स में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD तो नहीं मिलता, पर HDR ऑप्शन मिलता है, वो भी अल्ट्रा सेटिंग के साथ, जो आपको 40 FPS देगा HDR सेटिंग्स में। तो मैं ये कर देता हूँ, और अब आपको एकदम से ग्राफिक्स का डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ ही में थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आपको यहाँ पे दिख रहा है बीच बीच में, और साथ ही में 40 FPS इतना स्मूथ नहीं होता जितना स्मूथ और एक्सट्रीम में होता है। तो अगर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, अगर आपके ऑप्शन डिवाइस में स्मूथ एक्सट्रीम आता है तो वो बेस्ट ऑप्शन है पबजी खेलने के लिए, और सारे मेरे हिसाब से मोस्ट प्रो प्लेयर्स उसी ऑप्शन में खेलते हैं। अब आइटम हेवन है, तो हम फटाफट से फटाफट कूद जाते हैं, और इस बार होपफुली हम पैराशूट ओपन नहीं करेंगे पहले। अब देख सकते गेम इसमें भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका गेम प्ले में, पर फ्रेम्स कम हो जाते हैं 40 FPS, पर क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, आप जैसे देख सकते हैं। और इसी को अगर मैं वापस शिफ्ट करूँगा इस मैच के बाद, या अभी आपको शिफ्ट करके दिखाऊँ ग्राफिक्स और स्मूथ स्ट्रीम, अब देख सकते ग्राफिक क्वालिटी कम हो गई, पर गेम कितना ज़्यादा स्मूथ लगने लग जाता है। 60 FPS एक बेंचमार्क है अभी के लिए, क्योंकि मोस्ट गेम्स आपके मैक्सिमम 60 FPS पे कैप्ड हैं, वाइटलिस्ट करना पड़ता है डिवाइस को उसके ऊपर जाने के लिए। चलिए पहला बंदा तो हमने हमारा फाइनली, पर होपफुली आपको गेम प्ले का आइडिया लग जाएगा कि गेम कैसा चलता है फ़ोन पर। तो चाहे मैं बेकार खेलूँ चाहे मैं अच्छा खेलूँ, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपका डिसीजन कि गेम कैसा चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा था पर नहीं, म्यूट कर दिया फिलहाल तो, क्योंकि पता नहीं चलता प्लेयर्स कब क्या बोल रहे थे यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट। और टीम ने सारा काम किया, मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया, पर फटाफट टेम्परेचर रीडिंग ले लेते हैं, पहले आपको बैटरी ड्रॉप दिखा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 624 हुआ है, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट की गेमिंग, 15 मिनट की गेमिंग, और 45% बैटरी अब बची है, तो 5% बैटरी और गिर गई है पबजी के बाद। और टेम्परेचर की बात करूँ मैं तो आगे की साइड कभी भी 40 ही है, तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं आगे की साइड। पीछे की साइड की बात करूँ तो पीछे टेम्परेचर 43.7 इस एरिया में कैमरा मॉडल के साथ, और 42.9 43.7 43 के आसपास है अराउंड 20 मिनट की गेमिंग के बाद। तो आपको आइडिया लग गया होगा, जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगी इस डिवाइस के बारे में वो ये लगी कि बाय डिफॉल्ट आपको GFX टूल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका अकाउंट बैन भी करवा सकता है, पर आपको 60 FPS मोड यहाँ मिलता है, जो कि चलता भी अच्छा है इस पर,
तो अगर आपको पबजी खेलने का बहुत शौक है तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने स्मूथ एक्सट्रीम ऑप्शन खेला होगा हाई एंड डिवाइस में तो वो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता होगा। तो इस डिवाइस में भी आपको वो ऑप्शन मिलता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक गेमिंग ओरिएंटेड स्मार्टफोन रह सकता है काफ़ी यूजर्स के लिए जिनको पबजी खेलना है पर हाई एंड डिवाइस पर नहीं जाना चाहते हो। 60 FPS ऑप्शन आपको यहाँ पर मिला करेगा। इस वीडियो में इतना ही, आप बताइए आपको कैसा लगा ये डिवाइस। ज़्यादा हीटिंग इसमें हमें 20-25 मिनट की गेमिंग में तो मिली नहीं और बैटरी ड्रॉप भी मिनिमम से ही था, 5-7% बैटरी ड्रॉप है आपका 20-25 मिनट्स ऑफ गेमिंग। तो आप बताओ आप ये लेना पसंद करोगे गेमिंग के लिए या कोई और डिवाइस जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।